हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ग्रेस और गॉड की फेमस शॉर्ट स्टोरी द ग्रीन लीव्स की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की है। लेट अस स्टार्ट दी वीडियो। शॉर्ट समरी ऑफ ग्रेस और गॉड्स शॉर्ट स्टोरी द ग्रीन लीव्स इन हिंदी। तो इसमें जो है हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है नयागार। नयागार हमारा मेन कैरेक्टर है। इसकी वाइफ का नाम है नया मुंडे। वैसे इसकी काफी सारी वाइफ हैं, लेकिन इसकी मेन वाइफ यही है, नया मुंडे। एक और हमारे साथ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि नयागार का एक फ्रेंड है, जिसका नाम है ओमारो। ये इसका एक फ्रेंड है ओमारो। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट करैक्टर है कि जो नयागार जिस क्लैन से बिलोंग करता है, उस क्लैन के जो लीडर हैं, जिनका नाम है, क्लैन लीडर का नाम है ओलियोले। तो ये हमारे चार मेन करैक्टर्स हैं। जो नयागार है, उसकी रात को जब जाग खुलती है तो वो सोचता है कि मेरी जाग एक सपने से खुली है, लेकिन उसे बाहर से काफी सारी आवाजें और पैरों के दौड़ने की आवाज आ रही होती है। वो बिस्तर पर अपनी वाइफ नयामुंडी को देखता है, वो उसे कहीं नहीं दिखती है। झोंपड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, उसे अपनी वाइफ नयामुंडे पे बड़ा गुस्सा आता है। वो चादर डालकर अपना भाला और लाठी लेकर, क्लब लेकर वो बाहर जाता है और घर के पास जो बाड़ है वहां छुप जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोगों के पीछे भीड़ भाग रही है। एक आदमी चिल्लाता है, कैटल चोर, कैटल चोर। नयागार गांव वालों की भीड़ के गांव वालों क्योंकि क्या देखता है, अभी कुछ लोग भाग रहे हैं और पीछे गांव वाले भाग रहे हैं, तो वो गांव वालों की भीड़ के साथ भागता है। कैटल चोर गलत दिशा में भाग जाते हैं, जिसके कारण उन्हें गांव से बाहर निकलने का जो पुल है, वो वाला रास्ता उन्हें भूल जाता है। अब चोर नदी को पार करने की कोशिश करते हैं तो गांव वाले उन्हें घेर कर लाठियों से मारते हैं। एक गांव वाला देखता है कि एक चोर झाड़ी के पीछे छुप रहा है, तो तीन गांव वाले झाड़ी पर डंडे मारते हैं, पर वो चोर वहां से भाग जाता है। एक चोर नयामार के दोस्त ओमोरो के कंधे पर छुरा मारकर नदी में कूदकर भाग जाता है। एक जो तीसरा चोर होता है, वो जमीन पर गिर जाता है, जिसे गांव वाले इतना मारते हैं कि वो हिलना डुलना बंद कर देता है। चोर को मरता देखकर ओमारो कहता है कि चोर को मरता हुआ देखना अपशगुन है, हम यहां से अपनी झाड़ियों में वापिस चलते हैं। वो चोर की लाश को हरी पत्तियों से ढककर चले जाते हैं और आपस में तय करते हैं कि सुबह आकर इसे दफना देंगे। नयागार अपने दोस्त ओमारो को सहारा लेकर घर जाता है। नयागार अपनी झोपड़ी में जब वापिस जाता है तो गांव शांत हो जाता है, औरतें जाग गई हैं, पर पूरी स्टोरी का पता तो उन्हें सुबह ही चलेगा। नयागार सोचता है कि चोर जो हरी पत्तियों के नीचे मरा पड़ा है, उसके पास जरूर पैसे होंगे। वो उन पैसों को पाने के लिए झोपड़ी छोड़कर वहां जाता है। अब जाते समय नयागार को ऐसा लगता है कि कोई पीछा कर रहा है, पर वो उसके ही कदमों की आवाज होती है। फिर उसे लगता है कि शायद बाकी चोर वापस आ सकते हैं। उसके दिमाग में बड़ा टर्मोइल चलता है। उसे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, उसके काफी सारी पत्नियां हैं, उसके पास जानवर हैं, बच्चे हैं, और उसके पास पैसा है, पर फिर भी वो इस पैसे को पाना चाहता है, क्योंकि अब वो यहां तक, नदी तक आ गया है। उसे चोर की बॉडी गर्म भी लगती है, लेकिन फिर भी नयागार रुकता नहीं है। वो चोर की जेबों में तलाश करता है, उसे कुछ नहीं मिलता। फिर उसे याद आता है कि कैटल थीफ जो होते हैं, वो अपनी गर्दन में जो पर्स होता है, पैसे उसमें रखते हैं। उसे चोर की गर्दन के पास एक बैग दिखता है, जिसे वो लेने की कोशिश करता है। तभी उसकी आंखों पर एक ब्लो, लाठी का एक घाव लगता है। चोर अपनी डीप स्लीप से जाग जाता है और उसने नयागार को मार देता है और उसे पत्तियों से ढककर ब्रिज पार कर चला जाता है। अगले दिन सुबह जो क्लैन लीडर ओलियलो होते हैं, वो सबको एक पेड़ के नीचे इकट्ठा कर रात की घटना के बारे में बताते हैं।
फिर वो ये कहते हैं कि इस चोर को मारना कोई मर्डर नहीं था, क्योंकि इसने तो गांव की संपत्ति को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन वहां केनिया में वाइट मैन अंग्रेजों का राज है और अंग्रेजों के अपने रूल हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम वाइट मैन को ये बताएंगे कि लोगों के एक ग्रुप ने एक चोर को मार डाला, इस तरह सब पर दोष आएगा और किसी को सजा नहीं मिलेगी। भीड़ में न्यागार की वाइफ नया मुंडी और उसकी को वाइफ भी होती हैं। सब के सब नदी के किनारे जाते हैं। नया मुंडी दूसरी पत्नी को यह बताती है कि घास गीली है और एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता भी काटा है। ये अपशगुन होते हैं। वहां चोर की डेड बॉडी के पास व्हाइट पुलिसमैन और अफ्रीकन पुलिसमैन काफी सारे आ जाते हैं और वो क्लेन लीडर से यानी कि ओलियालो से पूरी स्टोरी पूछते हैं और ओलियालो एक ट्रांसलेटर के थ्रू सबको पूरी स्टोरी बताता है। अब पुलिस ऑफिसर जो है वो लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए लाश लेकर जाने लगते हैं। जब वो पत्तियां हटाते हैं तो नीचे से नयागार की लाश देखकर ओलियालो हैरान हो जाता है। ओलियालो नयागार का कजन भी होता है। नए मुंडी अपनी पत्नी पति की लाश से चिपक चिपक कर रोती है। वो पुलिस से भी स्ट्रगल करती है, वो गांव वालों से भी पूछती है कि बताओ चोर की लाश कहां है। फिर लास्ट में वो ट्रेडिशनल तरीके से केनियाई तरीके से गाना गाकर मौन करती है और यहां पर ये स्टोरी एंड होती है। सो आई होप फ्रेंड्स मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।